नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। गैंगस्टर विकास दुबे 100 घंटे बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन माना जा रहा है कि पुलिस उसकी गिरफ्तारी के काफी नजदीक पहुंच गई है। जल्द ही हिस्ट्री सीटर विकास दुबे को गिरफ्तार किया जा सकता है। कानपुर के बिकरू गाँव में 8 पुलिस कर्मियों की बेदर्दी से हत्या करने वाले हिस्ट्री सीटर विकास दुबे के सहयोगियों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। यूपी पुलिस ने वारदात वाली रात विकास के साथ देने वाले उसके 15 गुर्गों के खिलाफ केस दर्ज किया है। यूपी पुलिस ने इन 15 आरोपियों की एक पोस्टर पर तस्वीरें जारी की हैं। इन 15 आरोपियों में कुछ बिकरू गांव के और कुछ अन्य गांव के हैं। पुलिस ने अपनी जांच में पाया है कि ये सभी वारदात वाली रात से ही फरार हैं। इन सभी के खिलाफ हत्या और लूट के मामले पहले से ही चल रहे हैं। यूपी पुलिस की टीमें विकास और उसके सहयोगियों की तलाश में दिल्ली, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में दबिश दे रही है। यूपी पुलिस ने 15 अपराधियों की तस्वीर समेत एक लिस्ट जारी की है, जिसमें उन सभी को मोस्ट वांटेड या विकास दुबे के सहयोगी बताया गया है। साथ ही पुलिस ने इन 15 अपराधियों के बारे में सूचना देने के लिए फोन नंबर भी जारी किए हैं। पुलिस ने कहा कि इन 15 अपराधियों की सूचना देने वालों के नाम गुप्त रखे जाएंगे। इसके साथ ही इन अपराधियों के सिर पर जो इनाम घोषित है वो इनकी सूचना देने वालों को दिया जाएगा। वहीं इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी और 2.5 लाख रुपए का इनामी विकास दुबे अभी फरार है। यूपी पुलिस और एसटीएफ पिछले 6 दिनों से विकास दुबे को पकड़ने के लिए संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है, लेकिन वो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लग सका है। हालांकि विकास दुबे के फरीदाबाद स्थित एक होटल में छुपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने फरीदाबाद के बड़खल चौक स्थित एक होटल को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन विकास दुबे वहां नहीं मिला। पुलिस ने विकास के एक खास गुर्गे को गिरफ्तार किया है। सूत्रों की माने तो गिरफ्तार शख्स ने पुलिस को बताया कि विकास दुबे वहां मौजूद था, लेकिन वो पुलिस के आने से पहले वहां से फरार हो गया। आपको बता दें, पुलिस बिकरू गांव के हर एक घर की तलाशी ले रही है। तलाशी के दौरान पुलिस को विकास दुबे के घर के सामने वाली घर की छत से बम मिले हैं। माना जा रहा है ये पुलिस पर हमला करने के लिए ही वहां रखे गए होंगे। वहीं विकास दुबे के घर से पुलिस को खाली राशन कार्ड, मुकदमों के दस्तावेज, वायरलेस सेट का एक माइक, सीसीटीवी कैमरे की रैम, कारतूस, किले, साथ ही नौकर और नौकरानी की 2 अलग अलग नाम से आईडी मिली है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।